बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव और उनके साथियों के खिलाफ गाजीपुर कोर्ट ने नॉन बेलेबल वारंट जारी किया है। एडीजीसी क्रिमिनल एमपीएमएलए कोर्ट गाजीपुर नीरज श्रीवास्तव ने बताया कि पूर्णिया के वर्तमान सांसद राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव और उनके साथ के 11 लोगों पर एक पुराने मामले में स्थानीय एमपीएमएलए कोर्ट में एक आपराधिक मुकदमा लंबित है। इस मामले में आज कोर्ट में तारीख थी, लेकिन उनकी तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ। इस पर जज शक्ति सिंह की अदालत से पप्पू यादव और सहयोगियों कुल 11 लोगों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू वारंट जारी किया गया है। अगली तारीख 4 नवंबर 2024 को लगी है। एमपीएमएलए कोर्ट गाजीपुर में पीठासीन अधिकारी श्री शक्ति सिंह के न्यायालय में एक अपील राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव, जो वर्तमान में पूर्णिया के सांसद हैं, उनके विरुद्ध पेंडिंग थी, जिसमें सुनवाई के लिए आज पत्रावली नियत थी, परंतु सुनवाई के लिए उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ। इसलिए माननीय न्यायालय द्वारा राजीव रंजन और पप्पू यादव सहित कुल 11 लोगों को एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया है और अगली तिथि 4/11/2024 नियत किया है। यह पूरा मामला 1993 का है। दरअसल 8 नवंबर 1993 को उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे थे। उस चुनाव में पप्पू यादव और उमेश पासवान बिहार के बक्सर से गाजीपुर आ रहे थे। इस दौरान गाजीपुर के मोहम्मदाबाद विधानसभा की शहनिंदा चौकी के पास पुलिस ने उन्हें रोक लिया, क्योंकि आचार संहिता लगी हुई थी और गाड़ियों का काफिला ज्यादा था। पुलिस के रोकने के बाद इन लोगों ने सड़क पर चक्का जाम कर चुनाव आचार संहिता उल्लंघन और सरकारी कार्यों में बाधा डालने का प्रयास किया, जिसमें पुलिस ने कड़ाई से काम लिया। इसी मामले में लगभग 30 साल बाद पप्पू यादव समेत सभी 11 लोग सीजीएम कोर्ट गाजीपुर से बरी हो गए थे, लेकिन शासकीय अधिवक्ता द्वारा इस मामले में जिला जज के यहाँ पुनः अपील की गयी थी। 8 नवम्बर को उस समय उत्तर प्रदेश चुनाव चल रहा था। मोहम्मदाबाद के थाना प्रभारी को सूचना मिली कि बिहार के दो विधायक राजीव रंजन उमेश यादव अपने दल बल के साथ आकर के चुनाव में गड़बड़ी करने की उनकी आशंका है। इसके कारण से मोहम्मदाबाद पुलिस ने सहनिंदा पुलिस चौकी के पास नाकाबंदी करके इन लोगों को गिरफ्तार, कुल 127 लोगों को गिरफ्तार किया और इन लोगों के विरुद्ध 188/253 आदि मामले पंजीकृत किया, और जिनका विचारण सीजीएम न्यायालय में हुआ था और सीजीएम न्यायालय से अभियुक्त राजीव रंजन वगैरह दोषमुक्त हो गए थे, उसी की अपील स्टेट ने किया था, जिसमें आज सुनवाई हुई। 4 नवंबर 2024 को सभी अभियुक्तगण को न्यायालय में हाजिर होने के लिए माननीय न्यायालय द्वारा एनबीडब्ल्यू जारी किया गया है और एनबीडब्ल्यू का कंप्लायंस करके वर्तमान सांसद तत्कालीन उस समय विधायक थे, तो इन लोगों को न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है। जिसके बाद से जिला जज ने पत्रावली एडीजे सीनियर डिवीजन एमपीएमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दी थी। इस दौरान विचरण के लिए पप्पू यादव और उनके सभी सहयोगियों को समन भेजे गए थे, लेकिन कोई भी कोर्ट में उपस्थित नहीं हुआ। आज भी कोर्ट में डेट थी, लेकिन पुकार पड़ने पर भी कोई हाजिर नहीं हुआ, तो कोर्ट ने सांसद पूर्णिया राजीव रंजन उर्फ पप्पू यादव समेत सभी 11 अभियुक्तों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू यानी गैर जमानती वारंट जारी करते हुए पुलिस को आगामी 4 नवंबर 2024 को पप्पू यादव समेत सभी 11 अभियुक्तों को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। पंजाब केसरी टीवी के लिए गाजीपुर से आरिफ वारसी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।